वेलकम टू NV Edu क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है, जो कि 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर है। और इससे पिछले लेक्चर में हम आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर और उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ा ही चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और हमारी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट से जो ये आज वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को इसके लेक्चर की फुल डिटेल जानने के लिए पिछले वीडियोस को भी अच्छे से देखना होगा, तभी वो समझ पाएंगे। क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आपको जो है फ्लावर की स्ट्रक्चर और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में डिटेल स्टडी हम करा ही चुके हैं, जो कि आगे के लेक्चर्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछले वीडियोस को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को मिल जाएंगी आपको सब्सक्राइब करने के बाद। तो लेट अस स्टार्ट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? हमारा फीमेल पार्ट होता है वो होता है पिस्टल और गाइनीशियम। फ्लावर में जो पिस्टल पार्ट होता है वो होता है फीमेल पार्ट, जो होता है उसमें फीमेल रिप्रोडक्शन होता है। गाइनीशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। If flower has one pistil और carpel, pistil और carpel अगर किसी flower में एक है तो उसको हम कहेंगे monocarpillary। और अगर दो carpel हैं तो उसको हम bicarpillary कहेंगे। अगर 3 carpel हैं तो वो tricarpillary कहलाएगा। और अगर 3 से ज्यादा carpel होते हैं तो उसको हम multicarpillary कहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा पिस्टल जो होती है या कार्पेल के नंबर के हिसाब से हमने इसको मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी कहा। अब पिस्टल जो होती है वो सिनकार्पस भी हो सकती है और एपोकार्पस भी हो सकती है। तो सिनकार्पस जो होती है वो होती है मोर देन वन पिस्टल आर फ्यूज्ड। जब एक से ज्यादा जो है पिस्टल आपस में फ्यूज्ड होती हैं उसको हम कहते हैं सिनकार्पस। और इसका एग्जांपल है पेपावर एंड सोलेनम। सोलेनम फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं वो सिनकार्पस होते हैं। और एपोकार्पस कहलाता है जब कार्पल्स रिमेन फ्री, कार्पल्स आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं तो उसको हम कहते हैं एपोकार्पस। इसका एग्जाम्पल है मिचीलिया और रोज। साइंस में आपको स्टूडेंट्स हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो भी चीजें पढ़ें उसका एग्जाम्पल्स जरूर तैयार करें, क्योंकि साइंस में बिना एग्जाम्पल्स के मार्क्स कभी भी नहीं मिलते हैं। तो जो भी आप कोई भी डेफिनेशन या कोई भी सेंटेंस या कुछ भी चीज के बारे में आप लिखते हैं तो उसके लिए एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं। तो ये तो हुआ हमारा कि पिस्टल को टू टाइप्स की होती हैं, सिनकार्पस और एपोकार्पस। सिनकार्पस में पिस्टल्स जो होती हैं फ्यूज्ड होती हैं, एपोकार्पस में पिस्टल्स फ्री होती हैं। फिर आता है पिस्टल जो किससे बनकर बनी होती है। पिस्टल जो होती है थ्री पार्ट्स होते हैं पिस्टल के, बेसल पार्ट ओवरी, एलोंगेटेड पार्ट स्टाइल एंड टर्मिनल पार्ट स्टिग्मा। तो पिस्टल के थ्री पार्ट्स हुए ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है वो अपर पार्ट होता है। इसको हम डायग्राम से भी अभी समझाते हैं। स्टिग्मा इज द प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स। यहाँ पर पोलन ग्रेन्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर आकर गिरते हैं और उसमें पॉलिनेशन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है फर्दर इसमें। तो पिस्टल थ्री पार्ट होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो होता है मिड पार्ट होता है और स्वेलन होता है। ओवरी हैज ओवेरियन कैविटी। ओवरी में ओवेरियन कैविटी होती है जिसको कि हम लोक्यूल भी कहते हैं। और ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेजेंटा होता है और प्लेजेंटा कन्वर्ट हो जाता है मेगा स्पोरेंजिया में और इसको ही हम ओव्यूल कहते हैं।
मेगास्पोरेंजिया को ही हम ओव्यूल कहते हैं। तो ये हुआ हमारा पिस्टल, थ्री पार्ट से मिलकर बनी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी जो होती है वो के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम लोक्यूल भी कहते हैं, और ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेजेंटा होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है माइगोस्पोरेंजिया या ओव्यूल में। तो अब हम पढ़ेंगे ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ओव्यूल अभी तक हमने पिस्टिल पढ़ा, अभी हमने ये आपको समझा देते हैं। ये है स्टिग्मा, ये हमने फ्लावर का पार्ट पढ़ा। ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में ही जो नीचे पार्ट होता है इसको बोलते हैं थैलेमस। तो ये तो हो गया हमारा पिस्टिल के पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब हमने पढ़े थे सिनकार्पस, ये सिनकार्पस ओवरी है। यहाँ पर ये जितने भी कार्पल्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये सिनकार्पस हो गया। और जब कार्पल्स आपस में फ्री होते हैं, इनका जो एंड है वो फ्री है, इसलिए इसको हमने कहा एपोकार्पस। ये एपोकार्पस स्थिति कहलाती है। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर। क्या होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर? माइक्रोस्पोरेंजियम को हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम मियोसिस एंड मेगास्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर यानी ओव्यूल के अंदर मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है और मेगास्पोर का बनता है, मेगास्पोर्स बनते हैं। इसके बाद इट इज अटैच टू द प्लेजेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक फ्यूनिकल। ये जितने भी पार्ट्स हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं ये होते हैं ओव्यूल के मेन पार्ट हैं। ये हमने जो अंडरलाइन किए हैं ये इनके मेन पार्ट्स हैं। इनको हम अभी आपको डायग्राम से भी समझाएंगे। इट इज अटैच टू द प्लेजेंटा, प्लेजेंटा जो कि कन्वर्ट हो जाता है आगे ओव्यूल में, तो ये एक छोटी सी नोच के जरिए जुड़ा रहता है जिसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। इट डेवलप इंटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये जो होता है ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट हमारा आता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज कॉल्ड हीलम। ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम हीलम कहते हैं। प्रोटेक्टिव एनवलप ऑफ ओव्यूल कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। इसके ऊपर जो है ओव्यूल के चारों तरफ कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, उसको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं। एट द टिप ऑफ ओव्यूल देयर इज द ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ओव्यूल की जो ओपनिंग होती है उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। एंड बेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल जस्ट अपोजिट टू द माइक्रोपाइल इज कॉल्ड चैलेजा। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट एक पार्ट होता है उसको हम चैलेजा कहते हैं। ए मास ऑफ सेल्स विद इन द इंटेगुमेंट्स आर कॉल्ड न्यूसेलस। और चैलेजा और माइक्रोपाइल के बीच में जो पार्ट्स होती हैं, जो सेल्स पाई जाती हैं, उसको हम न्यूसेलस कहते हैं। विद इन द न्यूसेलस देयर इज अ सिंगल एम्ब्रियो सैक और फीमेल मेगेमिटोफाइट। एम्ब्रियो सैक न्यूसेलस में ही जो है बीच में, यानी चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड के बीच में जो है एम्ब्रियो सैक पाई जाती है। और ये डेवलप्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर थ्रू रिडक्शनल डिवीजन यानी म्यूसिस के जरिए जो है वो बनती है। सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूसेलस जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, उसमें कलेक्ट होते हैं। अब हमको इसको स्ट्रक्चर के जरिए हम समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है, ये तो हो गया हमारा
सॉरी ये है चैलेजल एंट और ये है माइक्रोपाइलर एंट। ये माइक्रोपाइल हमने ओपनिंग बताई थी और ये इंटेग्यूमेंट्स की जो लेयर्स होती हैं, ये इंटेग्यूमेंट्स इसके चारों तरफ लेयर्स होती हैं और ये है चैलेजल। ये चैलेजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये जो प्लेजेंटा से जुड़ा हुआ होता है इसको फ्यूनिकल कहते हैं और ये हीलम है और ये सिनर्जिट्स हैं। ये अभी हम फर्दर आपको डिटेल में बताएंगे कि सिनर्जिट्स हैं। ये टूपल पोलर न्यूक्लियाई जो बीच का पार्ट होता है पोलर न्यूक्लियाई हैं और ये एंटीपोडल सेल्स होती हैं। इसको ये किस तरीके से बनी हम ये आगे आपको फर्दर हम डिटेल में बताएंगे। और न्यूसेलस ये तो हमारा था कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है ये ओव्यूल। ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है इसके बारे में कि क्या क्या हो गया, माइक्रोपाइलर एंट, चैलेजल एंट, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट्स, ये हो गई एम्ब्रियो सैक। इसके बीच में सबसे बीच में एम्ब्रियो सैक पाई जाती है। तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट हम इसके फर्दर डिटेल में आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे सेल्स बनी एंटीपोडल सेल्स। ओव्यूल के डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अलग अलग स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं ये हम बताते हैं आपको किस तरीके से कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के ओव्यूल्स जो होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द शेप एंड ओरिएंटेशन द ओव्यूल्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ये है ऑर्थोट्रोपस और ऑर्थोट्रोपस को ही हम एट्रोपस भी कहते हैं। वेयर अब हमने ये जान लिया कि माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है, चैलेजल एंड क्या होता है, फ्यूनिकल क्या होती है और उसमें बीच में एम्ब्रियो सैक पाई जाती है। तो ये अगर माइक्रोपाइलर और चैलेजल एंड एक ही लाइन में हो, ये तीनों एक ही लाइन में हो तो वो एर्थोट्रोपस स्थिति होगी या एट्रोपस टाइप का ओव्यूल होगा। नेक्स्ट टाइम है हमारा एनाट्रोपस। एनाट्रोसप अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में जो बताया था कम्प्लीटली इन्वर्टेड होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कम्प्लीटली इन्वर्टेड, जैसा कि अभी पिछले डायग्राम में हमने समझाया। फिर है हेमी एनाट्रोपस। हेमी एनाट्रोपस का मतलब होता है वो 90 डिग्री पर वो बिल्कुल ऐसे करके बन जाता है। अभी हम स्ट्रक्चर से भी समझाएंगे, इसका एग्जाम है रेनन्कुलस। फिर है कंपाइलोट्रोपस, वेयर ओव्यूल इज सर्कल्ड मोर और लेस एट राइट एंगल ऑफ फ्यूनिकल, राइट एंगल ऑफ फ्यूनिकल पे होता है। फिर है एम्फीट्रोपस, वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम कर्व्ड लाइक सू हॉर्स शू। हॉर्स शू जो होता है घोड़े की नाल की तरीके से वो बिल्कुल मुड़ जाता है, इसका एग्जाम्पल है लेमना। फिर है सर्सिनोट्रोपस, वेयर फ्यूनिकल कम्प्लीटली सराउंड्स द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल की बॉडी को पूरी तरीके से कम्प्लीटली कर लेता है। उसको हम समझते हैं जैसे कि ये हमने स्ट्रक्चर आपको बताए हैं, अभी पीछे हमने लिखा हुआ दिखाया। ये है फर्स्ट इज ऑर्थोट्रोपस जो कि हमने बताया, इसमें माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड और ये एम्ब्रियो बीच में है, ये यहाँ पर पाया जाता है और ये है फ्यूनिकल, ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। तो ये होती है स्थिति ऑर्थोट्रोपस। फिर होती है दूसरी है एनाट्रोपस, जस्ट बिल्कुल अभी हमने जो एग्जांपल से समझाया वो एनाट्रोपस स्थिति थी। ये माइक्रोपाइलर एंड, ये चैलेजल एंड, ये बीच में एम्ब्रियो सैक होता है और ये यहाँ पर ये न्यूसेलस। अब है थर्ड पोजीशन है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में ये शू, हॉर्स शू टाइप की एक स्ट्रक्चर बन जाती है, यहाँ पर इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस। फिर होता है डी में है कंपाइलोट्रोपस, ये 90 डिग्री पर कम हो जाता है। और फिर है हेमीट्रोपस, हेमीट्रोपस में भी ये इस तरीके से
90 डिग्री पर मूव कर जाता है। और सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है कि जो यहाँ से ये बिल्कुल इसको कर्व कर देता है, न्यूसेलस जो होती है वो एम्ब्रियो सैक को पूरी तरीके से कवर कर देती है। तो ये तो था हमारा ओव्यूल के स्ट्रक्चर के स्टडी। हमारा नेक्स्ट आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, और जो है वो मेगास्पोरोजेनेसिस जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होती है। मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जो होती है वो मेगास्पोर मदर सेल यानी MMC से मेगास्पोर्स के बनने को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इट अकर्स इनसाइड द न्यूसेलस। न्यूसेलस अब हमने आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताई दिया, अब समझ में आ गया होगा न्यूसेलस कहाँ होता है। तो इट अकर्स इनसाइड द न्यूसेलस, न्यूसेलस के बीच में होता है एम्ब्रियो, ये जो मेगास्पोर्स। मेगास्पोर मदर सेल इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूसेलस। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड्स ट्रांसवर्सली इनटू टू सेल्स कॉल्ड मेगास्पोर डाइट। वो ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है, जैसे कि मेगास्पोर मदर सेल है तो वो ट्रांसवर्सली डिवाइड हो जाती है, तो वो डाइड बनाती है। डाइड का मतलब टू सेल्स की स्ट्रक्चर बना देती है, मेगास्पोर डाइड बन जाता है। फिर है मेगास्पोर डाइड अगेन डिवाइड ट्रांसवर्सली, एज अ रिजल्ट लीनियर रो ऑफ फोर हैप्लोइड सेल्स इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड मेगास्पोर टेट्रेड। अब ये जो दो सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं, तो इस तरीके से हैप्लोइड फोर सेल्स बन जाती हैं। इसके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से ये फोर सेल स्ट्रक्चर बन जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, इसको हम स्ट्रक्चर से समझते हैं कि क्या होता है। ये फीमेलो गैमेट, अब ये हमने इसको स्ट्रक्चर को समझना है। ये है हमारा मेगास्पोर मदर सेल, ये हो गई मेगास्पोर मदर सेल, और इसके अंदर ये एक सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है, ये न्यूसेलस है, ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है और ये इसका चैलिजल एंड है। अब इसमें ट्रांसवर्सली डिवीजन हो जाता है, तो इस तरीके से ये वाली स्थिति आ जाती है, मेगास्पोर डायड बन जाता है। मेगास्पोर डायड बन गया, ये दो सेल बन गई और इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये मेगास्पोर डायड बन गया। अब इसके बाद हमारा ये वाला बनता है कि इन दोनों में ये डायड में फर्दर डिवीजन हो जाता है इस तरीके से, तो ये फोर मेगास्पोर टेट्रेड बन जाता है। तो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 फोर सेल्स टेट्रेड मेगास्पोर टेट्रेड बन जाता है। इसी को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, फोर सेल्स फोल्ड उसमें सेल्स का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि फीमेल गैमेटोफाइट में अब वो कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं उसको हम समझ लें। पहले हम इसको ये समझते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ हमारा, पहले इसको लिखे हुए को समझ लेते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट हमारा यहां तक हमने पढ़ लिया, इसके बाद है ये फीमेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट इज इसमें है कि जनरली जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक इज मोनोस्पोरिक, एक ही न्यूक्लियाई होता है, वन स्पोरिक होता है, मोनोस्पोरिक होता है एम्ब्रियो सैक जो होता है।
In this type of development, only one megaspore situated towards chalazal end. Chalazal end की side सिर्फ एक ही megaspore होता है. Remains functional. उसमें जैसे हमारा चार tetrad बन गया, megaspore tetrad बन गया. अब ये जो megaspore है, उसमें जो chalazal side के जो वो होगी megaspore होगा, वो ही functional होगा. While remaining three megaspores gradually degenerate and finally disappear. पहले पहले वो गायब हो जाएंगे और फिर बाद मतलब शुरुआत में वो धीरे धीरे करके वो disappear हो जाते हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ कि embryo sac जो होता है monosporic ही होता है और उसमें 4 megaspores जो बने उसमें जो chalazal end का जो megaspore होगा वो ही functional रहेगा, बाकी तीनों गायब हो जाएंगे. अब इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट इज फंक्शनल हैप्लोइड मेगास्पोर एंड लार्जेस्ट इन साइज. जो चैलेजल एंड की मेगास्पोर होगी वो अपने साइज में बढ़ जाती है और वो एम्ब्रियो सैक बन जाती है, एम्ब्रियो सैक में उसको बड़ी हो जाती है. फिर नेक्स्ट आती है एम्ब्रियो सैक्स न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक यानी सूत्री विभाजन होता है उसमें एम्ब्रियो सैक के न्यूक्लियस में. उसके बाद वो टू डिवीजन टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई दैट मूव टू अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. उसमें एम्ब्रियो सैक जो होती है वो टू न्यूक्लिएट बन जाती है. अब ये टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक जो होती है वो फर्दर उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, वो 4 न्यूक्लिएट स्टेज में कंप्लीट हो जाता है. फिर ये 4 स्टेज न्यूक्लिएट जो होते हैं, 4 न्यूक्लिएट स्टेज जो होती है फर्दर उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, वो 8 न्यूक्लिएट स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है. अब ये जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है वो फर्दर जो है वो 8 न्यूक्लिएट जो होती हैं वो उसमें क्या होता है उनका. ये 8 न्यूक्लिएट जो हमने पढ़ी इस तरीके से 8 न्यूक्लियस स्टेज आ गई. अब उनमें से 8 न्यूक्लिएट में से 6 जो होती हैं वो उनके ऊपर सेल वॉल हो जाती बन जाती है. उनमें से 3 जो होती हैं, 3 सेल्स ऑफ माइक्रोपाइलर एंड ग्रुप्ड टुगेदर आपस में जुड़ जाती हैं और वो बनाती हैं एग एपरेटस, 2 सिनर्जिट्स एंड 1 एग सेल. और जो 3 जो होती हैं वो चैलेजल एंड की ओर होती हैं, उनको हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं. द लार्ज सेंट्रल सेल इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई. अब इसको हम डायग्राम के जरिए समझते हैं. क्या है ये हमारा समझते हैं. फर्स्ट इज टू न्यूक्लिएट स्टेज. ये है एम्ब्रियो सैक है हमारी, ये इस तरीके से ये एम्ब्रियो सैक है. इसमें 2 न्यूक्लियाई हैं, इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ये जो है वो 4 न्यूक्लियाई हो गया. फिर फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, ये 8 न्यूक्लियाई, 4 इस एक एंड पर और 4 दूसरे एंड पर. एक चैलेजल एंड है, एक माइक्रोपाइलर एंड है. अब ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चैलेजल एंड, ये आपस में इधर उधर. अब इसमें से ये जो 3 तो इस साइड आ जाती हैं और 3 इस साइड आ जाती हैं. इन 3 को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स और ये जो होती हैं वो 3 जो होती हैं वो हैं 2 सिनर्जिट्स और 1 एग सेल एग. और जो 2 बीच में आ जाती हैं, ये हमारी 8 न्यूक्लियाई थी, 8 न्यूक्लियाई में से 2 तो बीच में आ गए और 3 1 2 3 इस साइड, एक 3 इस साइड आ गए और ये 2 बीच में आ गए. तो ये जो सेंट्रल सेल बनाते हैं और ये एंटीपोडल सेल्स बनाते हैं और ये जो हैं सिनर्जिट सेल बना देते हैं और एग सेल बनती है इसमें से. अब ये जो हो गया माइक्रोपाइलर एंड का हो गया, ये चैलेजल एंड में एंटीपोडल सेल्स हो गए. ये चैलेजल साइड की जो होती हैं वो एंटीपोडल कहलाती हैं. जो बीच की जो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं वो
आपस में मिलकर ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये दोनों सेंट्रल सेल बना देती हैं मिलके, ये सेंट्रल सेल बनाती हैं और इस तरीके से ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है। तो आज हमने पढ़ा मेगा स्पोरोजेनेसिस और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में बताएंगे, तो इंतजार कीजिए तब तक नेक्स्ट वीडियो का। और इससे पहले अब तक हमने जो भी पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे का और अच्छे से समझ में आएगा। और एक चीज और ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो दोनों ही दोनों इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आएगा। यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो भी इंग्लिश में तैयार करें, जिससे कि वो फर्दर अपनी आगे की स्टडीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। और हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।